Ma'am, what are your thoughts about being part of this project and how exciting it was for you? So, our song is out, Zalim on Hits Music YouTube channel, and of course, हमने गाना किया है तो हमको तो खुद से बहुत पसंद है ही, तभी हमने गाना किया है. बहुत ही प्यारा सा गाना है, emotional, sad, heartbroken. You will definitely relate to it, and I think everybody will relate to it. कभी ना कभी तो दिल टूटता ही हमारा, तभी you know, हम बड़े हो रहे होते हैं. So, yes, everybody will relate to it, and गाने की वीडियो भी बिल्कुल वैसी ही बनाई है, उसी जोन में. थोड़ी सी डिफरेंट है. ड्रंक लड़की, हार्ट ब्रोकन, जस्ट रनिंग हियर इन देयर, किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता पा रही है, तो खुद में ही खोती जा रही है. सो दैट जोन, उस जोन में एक वीडियो बनाई है, एंड सबको पसंद आएगी. प्लीज़ गो एंड वॉच. करेगा ही, मैंने बोला ना, देखिए सबका कभी ना कभी तो दिल टूटा ही होता है. किसी का पाँचवीं में, किसी का आठवीं में, किसी का फर्स्ट ईयर में, हर किसी की ज़िंदगी में ये टाइम आया ही होता है. अब कैसे इसको डील करेंगे, आई थिंक वो सबका सबके ऊपर, अपने ऊपर होता है. मैं कोई फॉर्मूला बताऊँगी तो शायद आप पर नहीं लागू होगा वो, तो सबके अपने वेज होते हैं टू कम आउट ऑफ इट. बट येस, हर फेज होता है लाइफ में, अप्स डाउन्स तो निकल जाते हैं. देर आर अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप, एंड कुछ चीज़ें तो आई रही हैं आपके सामने, कुछ म्यूजिक वीडियोज़ आ रहे हैं, एंड वन अदर थिंग जो मैं थोड़ा आराम से रिवील करूँगी. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है. यस. देखो सब लोग जाके गाना शेयर करो, सबको दिखाओ, एंड खूब सारी रील्स बनाओ, एंड मुझे बताओ, भेजो और आ जाओ. बाय बाय. ये चलो रुको, अभी दो मिनट ये ले लिया इस वाले से. मैम डोर के पास हम तो सारी बात फोटो ले रहे हो क्या? यस यस यस. चलो पहले फोटो यहाँ पे. वेट वेट वेट, लुकिया वो तो लुकिया. या वो तो भी लुकिया. मैं तो तब से वहीं देख रही हूँ. बहुत सारे चल रहे हैं. तो सोचो वो तो आवाज़ कहाँ से आती है? लुकिया लुकिया. राइट टू लेफ्ट. सोलो सोलो सोलो. ओके, सबसे पहले गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए किस तरह का गाना होने वाला है और कैसे आप दोनों का कोलैबोरेशन हुआ. सो हमारा गाना ज़ालिमा आया है हिट्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पे, एंड गाना आपने अगर सुना हो तो बहुत ही सैड जोन में है, ऐसा इमोशनल है, हार्ट ब्रोकन लड़की. हाँ, ये मुझे धोखा देते हैं, ये ज़ालिमा है और जालिम इंसान है. इतनी खूबसूरत लड़की है, अगर आप देखना उसका एंड देखना गाने का. अभी बंदा कहाँ तक सहता रहे,
है ना, मतलब कहीं तो उसका भी सोच रहा था कि सुसाइड करके अपना काम कर लेगी, लेकिन ये चली गई। अभी 2022 चल रहा है, ऐसा नहीं हो, सती वाला जीवन गया वो। हम तो राम भक्त हैं तो यस, बहुत ही ऐसा सैड सा गाना है एंड वैसे ही जोन में हमने वीडियो बनाई है। लड़की हार्ट ब्रोकन है एंड यू नो उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको अपने दिल का हाल बताए, जिसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसने धोखा दे दिया, सो वो बहुत लॉस्ट जोन में चली जाती है। सो प्यार करती थी मुझे पता नहीं है, बोल रही है मान लेता हूँ। यू लव इट सॉन्ग, बहुत अच्छा था। नहीं नहीं बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस एंड ये मेरा सेकंड सॉन्ग है इट्स के साथ एंड विनोद सर तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड कनिका के साथ मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है। शी इज़ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड बेस्ट विशेज है, इतना अच्छा काम करती हूँ उनके साथ करके, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। और ऑल्सो जैसा बॉन्डिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या ऑन सेट भी इसी तरह का माहौल रहता था या फिर किस तरह? हम दोनों लिब्रेंस हैं एक्चुअली, थोड़ा ईगो क्लैश हो जाता है। नहीं मजाक करें, बहुत अच्छा हमारा था, बहुत मज़ा आया। हम लोग आई थिंक इनका 7th बर्थडे होता है और मेरा 1st अक्टूबर, तो मैं इनसे 6 दिन छोटा हूँ, तो ये बात बताने की जरूरत थी नहीं तो यार पता नहीं, शायद हो सकता बड़ा हो लेकिन डेट के हिसाब से 6 दिन छोटा हूँ। तो हमारी बहुत जल्दी ऐसे क्विकली हम लोग घुल मिल गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूं। ऐसा लगा कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं लगा इतना तो, पर हाँ काफ़ी ऐसा लग रहा था कि जानती हो काफ़ी टाइम से। ही वॉज वेरी गुड ऑन सेट, वेरी प्रोफेशनल एंड वेन वेरी फ्रेंडली वेन नीडेड फ्रेंडली। ओ बाबा इतना भयंकर सवाल, ऐसा प्रमोशन के टाइम पे एक सक्सेसफुल रिलेशन के लिए, मतलब रिलेशनशिप तो हर जगह ही सक्सेसफुल हो होना चाहिए, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो टॉलीवुड हो भगवान करे सब खुश रहें। और मैं भी जोन से भी वुड में जाऊँ मैं भी वहाँ खुश रहूँ। एंड इसके पीछे का जो राज होता है आई थिंक, मुझे लगता है कंफर्ट आना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। हाँ मतलब फॉर्मूला नहीं पता। किस बारे ऑन रिलेशनशिप? यार रिलेशनशिप में मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक, बिल्कुल आप अगर ट्रांसपेरेंट हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि जो इस गाने में तो आपको नहीं दिखने वाली, ये जाती है मैं वेट करता हूँ कि कब निकले और मैं फिर बुला लूँ किसी को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक। ट्रांसपेरेंसी अभी बंदा सामने वाला ये खोल दे कि देखो भाई मैं तो बाहर जाता हूँ, ये मैंने ट्रांसपेरेंट तो रखा, तुमने बोलता फॉर्मूला में ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो फिर झोल हो गया। एक ऐसी चीज़ होती है कि वो वन साइडेड नहीं हो सकता, वो दोनों का एक क्लैपिंग की तरह कि दोनों हाथ जब तक एक साथ नहीं बनेंगे तो वो एक रिलेशनशिप नहीं हो। मेरे को इतना नहीं पता यार, मैं तो ऐसे लव गुरु बन रहा हूँ यहाँ पर ज्ञान बांट रहा हूँ, होना चाहिए यार प्यार होना चाहिए सब बढ़िया होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और एक कंफर्ट दोनों में होना चाहिए कि हाँ मतलब पैशन भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें घुलजुल मिलजुल के एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आई फील बनता है। बाकी जैसे ही मेरा बनेगा तब आप हम दोनों को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ओ ये था। मुझे भी बता देना प्लीज। सिंस गाना रिलीज हो गया है, क्या कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आपको पढ़ने का मौका मिला अगर उस बारे में? आई थिंक 2 घंटे हुए हैं तो ज़्यादा टाइम हुआ, लेकिन घर वाले बहुत खुश हैं, फ्रेंड्स बहुत खुश हैं, अभी तो जल्दी तो नहीं लेकिन कमेंट्स आ रहे, अभी हमने सारे रीड भी नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गाना, बहुत अच्छा लग रहा है, जो इमेजिन किया था उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है उस गाने में, मुझे लग रहा है कि ज़ालिमा नहीं होना चाहिए था मुझे, फालतू में इनको डिच कर। हाँ मुझे कितने कसम लगे, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुमको क्यों छोड़ा इसने, मतलब अच्छी खासी लड़की थी, लगा शायद मैं गलत एंगल से देख रहा था तो उस दिल हैक गया मेरा, लेकिन तो बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अभी नहीं देखा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो आप सब पहुंचाइए लोगों तक एंड सबको सुनाइए दिखाइए। मैंने बिग बॉस किया भी नहीं है, ये देख लो, मतलब लोग बिना रिसर्च किए आते हैं, बताओ मैं अभी बस क्या ही बताऊं। कृष्णा और कश्मीरा ने क्या गाना देखा है, क्या रिएक्शन था गाना देखा? भैया तो अभी शूट पे हैं, कृष्णा वो भैया शूट कर रहे हैं, तो उनका भी जस्ट मुझे मैसेज आया कि तेरा मैंने गाना देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, कनिका को भी बोला कि बहुत अच्छी लग रही है, और कश्मीरा ने भी गाना देखा, मेरी बात नहीं हुई लेकिन हाँ मैसेज में उसने मुझे बहुत बोला कि बहुत ज़बरदस्त गाना है और तू मुझे जल्दी से लिंक भेज, पोस्ट करती हूँ, तो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। यार मैं बिग बॉस मैं बहुत फ़ैन हूँ बिकॉज ऑफ सलमान सर एंड इस साल तो कृष्णा भैया भी ही इज़ द पार्ट, वो आई थिंक बिग बॉस कर रहे हैं तो वो भी बहुत सुपर हिट होने वाला है और हो चुका है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ आई थिंक मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसकी बता रहे हैं कि आ रहे हैं, तो इस साल मैं इतना नहीं फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रक है काम में, लेकिन हाँ मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन है,
सलमान सर की वजह से तो बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई कंटेस्टेंट जिसे आप जानते हो या फिर आपके फ्रेंड्स में? मैं जानता तो हूँ यार, लेकिन मैं मुझे वो बहुत पसंद है, अब्दू ना, वो भी स्टैंड करके जो आई थिंक जो एमसी स्टैंड वो भी बहुत अच्छा करता है। या, या, या। जो मैंने सुना आई थिंक जो इंस्टा पे आप स्टैंड हैज अ ह्यूज फॉलोइंग, उसकी फॉलोइंग भी है, आई थिंक वो बहुत रॉ लड़का है, बहुत नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, तो मुझे उसकी वो चीज़ बहुत पसंद है कि वो है भाई जैसा है वो है, मतलब कूल, वो जो उसका पहनता है वो उसका स्टाइल है, उसके पास है वो खरीद रहा है। मैं अप्रिशिएट ब्रो, अप्रिशिएट ब्रो, लुक्स वेरी नाइस गाय, वो बहुत अच्छा, मुझे नेचुरल लगा, नेचुरल, और वो गेम नेचुरल है, उसमें आप बनावटी नहीं हो सकते थे, तो ही इज गुड। डू वॉच ज़ालिमा, जिन्होंने नहीं देखा है, डू वॉच, मेक रील्स, मेक वीडियोस, कर दो इस पे ताकि हमें और गाने मिलते रहे वहां से। बताओ कुछ गलती की हो हमने, कहां अच्छा लगा, कहां बुरा लगा, कौन कौन सी लड़कियों के साथ गया वो बताना, अच्छा लगा आपको किन लड़कियों के साथ में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।